सबसे पहले जो मेरे मीडिया के साथी सब उपस्थित है यहाँ पर, उनको मैं आपको और आपके परिवार को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री श्री कमलेश ढोके जी, श्री संतोष पालेकर जी, श्री मिलिंद वाड़ेकर जी, जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, पारुलेकर मैडम जो हमारी मीडिया प्रभारी है मुंबई भाजपा की, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आने वाले 17 सितंबर को हम सभी के नेता, जिन्होंने हमारे भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पे तेज़ी से जो लेकर जा रहे हैं, आदरणीय पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आने वाले 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा अनेक ऐसे उपक्रम, सेवा और समर्पण अभियान, इसके अंतर्गत में हम पूरे मुंबई में करने जा रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में मुंबई के ऐसे 6 उपक्रम, आगे मेरे बाद हमारे मुंबई के महामंत्री कमलेश ढोके जी उसे विस्तार में आपके बीच में रखेंगे, और ये सभी उपक्रम हम सभी के मार्गदर्शक हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, उनके आदेश अनुसार हम मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगले 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक करने जा रहे हैं। और सबसे पहला कार्यक्रम जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है नव भारत मेला। ये 17 सितंबर को सुबह 11 बजे जांबोरी मैदान पे, जो कामगार एक सभागृह है, एक कामगार सभागृह में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के, जो पिछले 7 वर्षों के अंदर उन्होंने जितने उपक्रम, जो भी योजनाएं आम जनता के लिए पूरे देश भर में उन्होंने जो लोगों के बीच लाए हैं, ये सभी योजनाओं की एक भव्य प्रदर्शनी मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा की जाएगी। उसकी डिटेलिंग आपको आगे जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है अर्जुन मेघे जी आपको बताएंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 17 तारीख को आप स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद के माननीय प्रवीण भाऊ दरेकर जी, उनके हस्ते होने जा रहा है, और हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हस्ते होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 17 तारीख को जो हमारे इस सेवा और समर्पण अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है उसका एक हिस्सा बनिए, और हम युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी वहाँ पर उपस्थित रहिए। मैं हमारे मुंबई के महामंत्री श्री कमलेश ढोके जी से निवेदन करूँगा कि कैसे कैसे युवा मोर्चा कौन से 6 कार्यक्रम करने जा रहा है उसकी जानकारी आप सभी को दें। नमस्कार, मैं मुंबई का महामंत्री कमलेश ढोके, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की 6 प्रोग्राम अपन 17 तारीख से चालू कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है नव भारत मेला, 17 से 19 तारीख तक वर्ली में उसका आयोजन अर्जुन मेघे जी के नेतृत्व में किया गया है। उसमें पिछले साल जो मोदी जी ने 7 साल में जो काम किया, योजनाएं है, जो निर्णय लिए, उसके बारे में सब योजनाएं को पेंडल लगेंगे और कार्यकर्ता उसमें सहभागी लेंगे, उधर लोकल लोग भी उसमें सहभागी लेंगे। दूसरा प्रोग्राम है रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर हम 6 जिला है मुंबई के, उसमें हर जिला में बूथ से लेके विधानसभा और जिला स्तर पर हम रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। तीसरा प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें स्वतंत्र सेनानी है, मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में जो स्वतंत्र सेनानी, उनका सत्कार करेंगे। उसका चौथा प्रोग्राम है गांधी जयंती के अवसर पर, मतलब जहाँ पे स्लम एरिया है, जहाँ पे कचरा वगैरह ज़्यादा है, उसमें स्वच्छता अभियान हर बूथ लेवल से विधानसभा, जिला अध्यक्ष, जिला लेवल पर हम लोग करने जा रहे हैं। और पांचवा प्रोग्राम है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, 25 सितंबर को जयंती के अवसर पर बूथ युवा मोर्चा कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें मास्क वितरण रहेगा, मेडिकल कैंप रहेगा, आदि स्तर पर अपन युवा मोर्चा के विविध योजनाएं, लाभार्थी, मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है, जो लाभार्थी है, उसमें उनका अपन जाके उनका सत्कार करेंगे उसके। और छठवां प्रोग्राम है नमो प्रश्नोत्तरी, और युवा मोर्चा द्वारा छात्रों के साथ
क्विज कंपटीशन, मतलब अपन कंपटीशन लेते हैं, उनको अपन क्वेश्चन पेपर दे देंगे, उसके बाद अपन उनका मतलब जो ये आता है 100 विजेताओं को अपन एक उपहार प्रमाण पत्र और गिफ्ट दे दे। ऐसे 6 प्रोग्राम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से देवेंद्र जी और मुंबई के हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और इनके संकल्पना में ये प्रोग्राम हो रहा है, भाई तेजेंद्र जी इनके अनुसार ये कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं मुंबई में। धन्यवाद। देखिए हम आम जनता को सभी के लिए निशुल्क एंट्री फीस है, कोई भी एंट्री ऐसे नहीं रख रहे, तो निशुल्क हम सबको निमंत्रण देने वाले हैं। और हमने जहाँ तक कोविड के SOPs का सवाल है, तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि 6 फीट का अंतर रखते हुए एक एक करके एंट्री करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कम ज़्यादा संख्या हम बाहर हॉल के बाहर, जो हमारे पास बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे लोगों को खड़ा रखें, और कम से कम संख्या में हॉल के अंदर लोगों को एक एक करके, क्योंकि एग्जीबिशन एंट्री और एग्जिट दोनों अलग जगह पर है, तो फायर हैजार्ड को भी ध्यान देखते हुए हमने पूरा आयोजन इस तरीके से किया है। तो कहीं भी कोविड का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जाएगा, और सैनिटाइजर्स हर कोने में रखे गए हैं, ये हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड का जो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पाले। एग्जीबिशन 17 से लेके 19 तारीख के बीच में ऐसे 3 दिन का एग्जीबिशन हमने रखा है, और हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमें एक हमने हेल्पलाइन नंबर लोगों को दिया है, जो भी इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं उनको स्लॉट देंगे हम टाइम का, कि ये 15 लोग, ये 20 लोग, ये इतने बजे से इतने बजे तक, ये आधे घंटे के स्लॉट में आए, और दूसरे लोग को एंट्री के लिए समय रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो उस कार्यक्रम के अंदर। हाँ देखो, हमारे संगठन में एक टीम वर्क आपको दिखने में आएगा, इसलिए मैं अर्जुन मेघे जी जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, जो हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष भी युवा मोर्चा के, तो मैं अर्जुन मेघे जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा नव भारत मेला आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके सामने रखे बात अर्जुन मेघे जी। मैं समस्त मुंबईकरों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो 17 तारीख से एक भव्य नव भारत मेला हम सभी के चहेते, जो जिन्होंने भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर बड़े तेज़ी से लेकर गए, ऐसे हम सभी के नेता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको एक बधाई देने के लिए, और उनके जीवनी की एक प्रदर्शनी, उनके जो लोगों को जो उन्होंने कार्य जो काम उन्होंने किया है, इसका एक भव्य प्रदर्शनी देखने के लिए सभी मुंबईकर आए, यही मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। नमस्कार, माझं नाव अर्जुन दत्ता मेघे आहे। मला आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंग तिवानाजींनी संधी दिली आहे की एक का मोठा भव्य कार्यक्रम करायची, त्यांनी मला संधी दिली आहे। या कार्यक्रममध्ये आम्ही काय करणार आहे की आम्ही फ्लेक्सवर प्रदर्शन करणार आहे की मोदीजींचे मागच्या 7 वर्षाचे त्यांचा कार्यकाळ होता पंतप्रधानचा, त्यांनी जेही योजना आपले सामान्य माणसांसाठी त्यांनी काढले आहे त्याचं आपण प्रदर्शन करणार आहे, हॉलमध्ये करणार आहे। फ्लेक्सवर त्यांचे सगळे कार्यक्रम जेही योजनाचे पूर्ण डिटेल्स असणार, त्याच्यासोबत आम्ही जे नमो ॲप आहे त्याचं रजिस्ट्रेशन असणार, त्याच्यासोबत जेही सरकारी योजना जे आत्ता चालत आहे त्याचं पण पंजीकरणाचं एक केंद्र पण आम्ही तिथे उभं केलं आहे। तर कार्यक्रमची रूपरेषा अशी राहणार आहे की आम्ही 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवले आहे, त्याच्यात भजन असणार, त्याच्या संगती आम्ही आपला पूर्ण महाराष्ट्राची जी संस्कृती कल्चरल एक कार्यक्रम ठेवला आहे, जिथे आपल्याला महाराष्ट्र संस्कृती रिलेटेड सगळे गाणे, शिवाजी महाराजांचे पावडे, हे सगळं एक दिवशी आपण करणार आहे।
त्याच्यासोबत आम्ही पहिल्या दिवशी एक भीमगीत असा कार्यक्रम पण ठेवला आहे, जिथे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर जे गाणे आहे ते गाण्याचं प्रदर्शन होणार आहे. त्याच्यासोबत संविधानाचे पण जे गाणे आहे आणि देशभक्तीचे जे गाणे आहे त्याचं पण तसं प्रदर्शन होणार आहे त्या कार्यक्रमामध्ये. देखिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, वो हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं उसे देखकर हम सब युवा प्रभावित होते हैं. और मेरा ये मानना है कि हमेशा युवकों को भी आगे बढ़ चढ़ कर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए. तो हमारे सबके आइडल ही नरेंद्र मोदी जी है, तो हम सब ने ये सोचा कि उनका जन्मदिन तो हम सबको मिलकर एक अच्छा तोहफा उनको देना चाहिए. ये लोग कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको अर्पित कर देना चाहिए उनको. देखिए हमने बीच में ऐसे 3 दिन रखे हैं जहाँ पर हम लोगों के बीच में जाके सैनिटाइजर्स भी बांटेंगे, कोविड से रिलेटेड मास्क जो भी और कुछ भी जो ऐसे दवाइयाँ है ये सब भी हम लोग स्लम्स में और बिल्डिंगों में जाके बांटने वाले समस्त मुंबई में. इसको छोड़कर रक्तदान शिविर भी करने वाले हैं जिससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं आम जनता को, लोगों को इसका लाभ होगा. और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपको जैसे हमारे कमलेश डोके जी ने बताया, तो ये सभी कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए कार्यक्रम है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा इस कार्यक्रमों के द्वारा. हाँ, मराठी में माझा नमस्कार. मी संतोष मोहन पालेकर, मुंबई युवा मोर्चाचा महामंत्री. आम्ही सर्व इथे आदरणीय मुंबई अध्यक्ष तेजेंद्र तिवानाजी यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करतो. सेवा आणि समर्पण या विषयाअंतर्गत आम्हाला आमचे आदरणीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याजी यांनी हा आदरणीय मोदीजींच्या वाढदिवसानिमित्त सर्वोत्तम कार्यक्रम दिलेला आहे. आम्हाला भारतीय जनता पार्टीची आमची संस्कृती आहे की सेवा आणि समर्पण, म्हणजे आम्ही निस्वार्थपणे लोकांच्या सेवा करण्यामध्ये बिलीव्ह करतो. आणि मोदीजी आपल्या एवढ्या वर्षांच्या कामामध्ये हेच दर्शवतात की सर्व काही सोडून, आपला परिवार सोडूनसुद्धा पूर्णपणे देशासाठी कसं काम करू शकतो. तर सर्वात मोठा उपक्रम आम्ही काय करू शकतो की ज्यांनी मोदीजींना आनंद होईल की आमच्या कार्यकर्त्यांनी मला वाढदिवसादिवशी ही भेट दिली म्हणून, त्याच्यासाठी हा सेवा आणि समर्पण कार्यक्रम आम्ही भरवणार आहोत. आदरणीय तेजेंद्र तिवानाजींच्या अध्यक्षतेखाली आदरणीय देवेंद्रजी, आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही हा कार्यक्रम करणार आहोत. आणि विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरजी यांच्या हस्ते त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार आहे. आणि हा सर्व कार्यक्रम हा करोनाचे सर्व नियम पाळून आम्ही करणार आहोत, त्याची पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सर्वात मोठा जो कार्यक्रम आहे हा नवभारत मेळावा. या मेळाव्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं आपण तुम्ही आता विचारलं की लोकांना कसा फायदा होईल याचा, त्याच्यामध्ये आम्ही सरकारी योजना या लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. करोनाच्या काळामध्ये लोकांची आर्थिक स्थिती बरोबर नाही आहे आणि भरपूर अशा सरकारी योजना आहेत ज्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या तर त्यांचा फायदा त्यांना होईल. त्याच्यासाठी तिथे पंजीकरण कार्यक्रम हा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. नमो ॲप हा लोकांना डायरेक्ट लोकांपर्यंत जोडतो. आज आत्तापर्यंत एवढ्या वर्ष काँग्रेसची सत्ता होती पण कधी सामान्य माणूस प्रधानमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला नाही, पण नमो ॲपमध्ये लोकांना डायरेक्ट वाढदिवसादिवशी मोदीजी शुभेच्छा देतात. त्या नमो ॲपचं रजिस्ट्रेशन आम्ही करणार आहोत. त्याच्यानंतर सरकारी पंजीकरण तिथे होणार आहे. वोकल फॉर लोकल, एक सामान्य महिला एकत्र येऊन कशा प्रकारे बचत गट चालवू शकतात आणि स्वदेशी वस्तू निर्माण करू शकतात आणि स्वतःचं मार्केट निर्माण करून कसे ते विकू शकतात याचंसुद्धा आम्ही उदाहरण तिथे प्रस्तुत करणार आहे. तर आम्ही सगळ्यांना परत एकदा विनंती करतो, आपण सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने नवभारत मेळा आमचं खूप मोठा कार्यक्रम आहे. आमची स्पेशालिटी आहे या पूर्ण सेवा आणि समर्पणामध्ये, त्याच्यामध्ये आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने यावं आणि मीडियाने सुद्धा सामान्य जनतेला बोलवावं. आम्ही सुद्धा बोलवणार आहोत, आपण सुद्धा बोलवावं. त्याच्यानंतर मोदी अंत्योदय, पंडित दीनदयालजींच्या विचारांवरती चालणारा हा पक्ष आहे. अंत्योदय म्हणजे सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. गरीबातल्या गरिबांपर्यंत योजना पोहोचली पाहिजे, त्या अंत्योदयासाठी आम्ही कार्यक्रम करणार आहोत मोदी अंत्योदय. त्याच्यामध्ये आजपर्यंत जेवढ्या लोकांना आमच्या योजनांचा फायदा झाला आहे त्यांना आम्ही जाऊन भेटणार आहोत, त्यामुळे आम्ही लाभार्थी बोलतो. आणि त्यांना मोदीजींबद्दल काय वाटतं, आज मोदीजींनी आपल्या देशाची उंची जागतिक स्तरावरती वाढवली आहे, भारत देश हा जगद्गुरू बनण्याकडे वाटचाल करतोय, तर हे अंत्योदयच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही करणार आहोत. त्याच्यानंतर आझादी का अमृत महोत्सव, याच्यामध्ये जेवढे पण मुंबईमध्ये क्रांतिकारकांचे पुतळे आहेत
त्यांची साफसफाई करणं, त्याच्यानंतर जेवढे आमचे शहीद आहेत त्यांच्या परिवारांची काळजी घेणं, त्यांचा सत्कार करणं, हा एक छोटा उपक्रम आम्ही करणार आहे. स्वच्छता से सन्मान मोदीजींचा सगळ्यात आवडता विषय, प्रधानमंत्री झाल्यापासून नाही गुजरातपासून मुख्यमंत्री असं त्यांचा सगळ्यात आवडता विषय स्वच्छता आहे. तर स्वच्छता से त्यांच्या वाढदिवसात स्वच्छता नाही ठेवली त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी तर तो कार्यक्रम अपूर्ण राहील. त्याच्यामुळे स्वच्छता से सन्मान आणि रक्तदान शिबिर, कारण करोना आहे, रक्ताचा तुटवडा आहे, त्याच्यामुळे रक्तदान शिबिर आम्ही ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज जे तरुण शिकत आहेत, विद्यार्थी आहेत, जे पुढे जाऊन देशासाठी काम करणार आहेत, त्यांना मोदीजींनी काय केलं आहे, मोदीजींचा कसा संघर्ष आहे, मोदीजी कसे पुढे आले ते कळलं पाहिजे. म्हणून नमो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता म्हणजे विद्यार्थ्यांपर्यंत हा कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत. तर आता मी आमचे मुंबईचे माझे महामंत्री, माझे सहकारी मिलिंद वाडेकरजी यांना मी सांगेन की याची रूपरेषा त्यांनी समजवावी. धन्यवाद. 2021 जे हे वर्ष आहे हे आम्ही भाजप कार्यकर्त्यांसाठी खूप महत्त्वाचं वर्ष आहे. 2001 ते 2000 श्री नरेंद्र मोदीजी हे मुख्यमंत्री होते. 2014 ते 2021 ते आता पंतप्रधान आहे. तर ह्यावर्षी त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून 21 वर्ष पूर्ण झालं आहे. त्यानिमित्त आम्ही युवा मोर्चातर्फे पूर्ण देशभरात हे कार्यक्रम होणार आहेत. तर मुंबई युवा मोर्चातर्फे आम्ही नवभारत मेळा हा 17 ते 19 सप्टेंबरपर्यंत वरळी जांभुळीमध्ये इथे घेणार आहोत. नंतर मोदी अंत्योदय जो म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ भेटला पाहिजे हा कार्यक्रम आम्ही 25 सप्टेंबर 2021 घेणार आहोत. त्यानंतर आझादी का अमृत महोत्सव, जसं साहेबांनी सांगितलं की आम्ही काय काय कार्यक्रम घेणार आहे, तो कार्यक्रम आम्ही घेणार आहे 27 सप्टेंबर 2021. स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम आम्ही घेणार आहे 2 ऑक्टोबर रोजी, ज्या दिवशी गांधी जयंती आहे. देखो कैसे हमारी जो युवा मोर्चा मुंबई की टीम है, जो पदाधिकारी हमारे 24 पदाधिकारी है, हमारे जिलाध्यक्ष है, हम जिला वाइज इसको डिवाइड करके हम वो प्रोग्राम सक्सेस करेंगे और सभी जगह हम लोग सब लोग का योगदान होगा. लेकिन हर प्रोग्राम का कोई ना कोई प्रमुख इंचार्ज होगा, वो देखेगा, उनके अंडर हम सब काम करेंगे. जैसे अभी हमारा जो नवभारत मेला जो प्रदर्शन हम रखेंगे जो मोदी जी का योजना का, उनका जो प्रमुख है हमारे अर्जुन मेघे जी उपाध्यक्ष वो है. ऐसे हम सारे कार्यक्रम के एक प्रमुख बनाए हैं. हाँ, अलग अलग जिला में हम प्रोग्राम करेंगे, हम लोग सब वहाँ जाएंगे. और जो रक्तदान शिविर है वो हर जिला में किया जाएगा जो ज़रूरी है लोगों के लिए. देखिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनका हमेशा ये सोच रहा है कि वोकल फॉर लोकल को, खास करके युवाओं को अपने अपने क्षेत्रों में प्रमोट करना चाहिए. इसलिए आने वाले नव भारत मेलावा में हमने ये तय किया है कि जो स्थानिक महिलाएं हैं उनको हम मौका दें कि जो घर में कैंडल्स बनाते हैं या बैग्स बनाते हैं या दिवाली आ रही है तो उसके लिए लैंटर्न्स बनाते हैं, तो दिए बनाते हैं, तो ऐसे जो घर गृहती महिलाएँ जो स्वयं अपने घर से चीज़ें बनाकर कुछ ना कुछ व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं, उनको वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम स्टॉल देने जा रहे हैं अपने नव भारत मेला में, ताकि जो लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं तो वो उनके पास से सीधा एक खरीदी कर सके और इसका लाभ डायरेक्ट स्थानिक रहवासी महिलाओं को. पिछले 3 दिनों से हमने मुंबई में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है जिसमें कई महिलाएं हमें कॉल कर रही है और हमें संपर्क कर रहे हैं कि हम ये स्टॉल लगाना चाहते हैं. तो हम लोग ने कुछ महिलाओं को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके 17 तारीख के लिए इनवाइट कर दिया है. तो ऐसे बचत गट के माध्यम से 5 से 6 ऐसे ग्रुप वहाँ पर पूरे स्टॉल्स का सेटअप करने आ रहे हैं. एग्जीबिशन का समय 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक. नमस्कार, माझं नाव अर्जुन दत्ता मेघे आहे. मला आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंग तिवानाजींनी संधी दिली आहे की एक इतका मोठा भव्य कार्यक्रम करायची, त्यांनी मला संधी दिली आहे. या कार्यक्रममध्ये आम्ही काय करणार आहे की आम्ही फ्लेक्सवर प्रदर्शन करणार आहे की मोदीजींचे मागच्या 7 वर्षाचे त्यांचा कार्यकाळ होता पंतप्रधानचा, त्यांनी जेही योजना आपले सामान्य माणसांसाठी त्यांनी काढले आहे त्याचं आपण प्रदर्शन करणार आहे.
हॉलमध्ये करणार आहे. फ्लेक्सवर त्यांचे सगळे कार्यक्रम जेही योजनाचे पूर्ण डिटेल्स असणार, त्याच्यासोबत आम्ही जे नमो ॲप आहे त्याचं रजिस्ट्रेशन असणार, त्याच्यासोबत जेही सरकारी योजना जे आत्ता चालत आहे त्याचं पण पंजीकरणाचं एक केंद्र पण आम्ही तिथे उभं केलं आहे. तर कार्यक्रमची रूपरेषा अशी राहणार आहे की आम्ही तीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवले आहे, त्याच्यात भजन असणार, त्याच्या संगती आम्ही आपला पूर्ण महाराष्ट्राची जी संस्कृती कल्चरल एक कार्यक्रम ठेवला आहे जिथे आपल्याला महाराष्ट्र संस्कृती रिलेटेड सगळे गाणे, शिवाजी महाराजांचे पावडे हे सगळं एक दिवशी आपण करणार आहे. त्याच्यासोबत आम्ही पहिल्या दिवशी एक भीमगीत असा कार्यक्रम पण ठेवला आहे जिथे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर जे गाणे आहे ते गाण्याचं प्रदर्शन होणार आहे. त्याच्यासोबत संविधानाचे पण जे गाणे आहे आणि देशभक्तीचे जे गाणे आहे त्याचं पण तसं प्रदर्शन होणार आहे त्या कार्यक्रमामध्ये. देखिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं उसे देखकर हम सब युवा प्रभावित होते हैं. और मेरा ये मानना है कि हमेशा युवकों को भी आगे बढ़ चढ़ कर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए. तो हमारे सबके आइडल ही नरेंद्र मोदी जी है, तो हम सब ने ये सोचा कि उनका जन्मदिन तो हम सबको मिलकर एक अच्छा तोहफा उनको देना चाहिए. ये लोक कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं ये उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको अर्पित कर देना चाहिए उनको. देखिए हमने बीच में ऐसे 3 दिन रखे हैं जहाँ पर हम लोगों के बीच में जाके सैनिटाइजर्स भी बांटेंगे, कोविड से रिलेटेड मास्क जो भी और कुछ भी जो ऐसे दवाइयाँ है ये सब भी हम लोग स्लम्स में और बिल्डिंगों में जाके बांटने वाले समस्त मुंबई में. इसको छोड़कर रक्तदान शिविर भी करने वाले हैं जिससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं आम जनता को लोगों को इसका लाभ होगा. और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपको जैसे हमारे कमलेश ढोके जी ने बताया तो ये सभी कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए कार्यक्रम है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा इस कार्यक्रमों के द्वारा. हाँ, मराठी में